झोली उठा उठा के दुआएं दे रहे हैं हुकूमत। महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान की आवाम को दी जा रही है, पाकिस्तान की आवाम की फटती है फटे। सते पे हैं आप? मैं जितना सता हुआ हूँ क्या बताऊँ, मैं झोली उठा के दुआएं दे रहा हूँ बच्चों को। तीन तीन चार चार दिन मेरे घर में दूध नहीं जाता। महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान की आवाम को दी जा रही है, पाकिस्तान की आवाम की फटती है फटे। कुछ बंदा हूँ, ये देखें, ये देख लें, इधर भी करेंगे क्या है? मैं ये मेरी जूती की उधर जाके जनाब वो जजीरा खरीद रहा है, कुछ जनाब अपने बच्चों को उधर लेके जा रहा है। खुदारा इस पाकिस्तान का सोचने ऐसे गए जैसे के वापस आ गए जूते टूटे बच्चों के। बिल घर का ना पकाओ ना खाओ, दो रोटियां बनाओ, एक सालन बनाओ, गैस का बिल पूरा, तनख्वाह उतनी नहीं जितने बिल है, इतनी कमाई नहीं जितने बिल। महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान की आवाम को दी जा रही है, पाकिस्तान की आवाम की फटती है फटे। 20-30 हजार लाइट के बिल, पंखा एक चलाते है पूरी फैमिली बैठते है उसके नीचे। महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान की आवाम को दी जा रही है, पाकिस्तान की आवाम की फटती है फटे। महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान की आवाम को दी जा रही है, पाकिस्तान की आवाम की फटती है फटे। ऐसे गए जैसे के वापस आ गए जूते टूटे बच्चों के। बिल घर का ना पकाओ ना खाओ, दो रोटियां बनाओ, एक सालन बनाओ, गैस का बिल पूरा, तनख्वाह उतनी नहीं जितने बिल है, इतनी कमाई नहीं जितने बिल है। 20-20-30-30 हजार लाइट के बिल, पंखा एक चलाते है पूरी फैमिली बैठते है उसके नीचे, ठीक है, मोटर चलाते हैं, फ्रिज बंद करते हैं, फ्रिज को 3-3 घंटे बंद रखते हैं सारा दिन, तो फिर भी 20-25 हजार बिल। 30 हजार पे बिल आ गया, फिर भी 30 हजार बिल आता आया। तो मेरी भाई मेरी बात सुने, इनकम है, गवर्नमेंट कहती है 30-35 हजार सैलरी दो, वो उनको हम बिल दे दे। सैलरी तो जो होगी वो तो बिल में चली जाएगी, तो बगाया कैसे गुजारा। बच्चों को खाने के लिए ना हमें जहर दे दे, गोलियां दे दे हमें, वो खिला दे हम उनको, ना खाएं ना पिए ना पहने ना पढ़ाएं बच्चों को जी, अच्छा पाकिस्तान बनाओ जी, बच्चों को अच्छी तालीम दे। बच्चे अच्छी तालीम करके क्या करें, कभी कहा कि बच्चों को अच्छी नौकरियां भी दे? कभी किसी न्यू जनरेशन बच्चे रोना आ रहा है, रुल रहे पढ़ के, पढ़ने को दिल नहीं चाहता, ये अनपढ़ जाहिल पाकिस्तान होना चाहिए हमारा। ये जो हमारी हमारी गवर्नमेंट है ना, ये माशाल्लाह मरियम नवाज का बड़ा नाम है जी, बड़े ये जलसे जुलूस करती है, फोक्स कर रही है, यूनिवर्सिटियाँ अच्छी बनाओ, तालीम अच्छी करो। कभी कहा किसी बच्चे को नौकरी भी दे दो, किसी गरीब का चूल्हा चले। चाचा भतीजा, चाचा जो है वजीर आजम है, तो भतीजी जो है वो वजीर आला है, तो इनसे क्या अपना उम्मीद बचता है? तो कोई तो नहीं है, कोई भी तो नहीं, उन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरनी है, पहले बाप ने भरी, फिर बेटा ने भरी, चाचा ने भरी, भतीजा ने भरी, अवाम का खून पी लिया, खून अवाम का इन्होंने, दिल से हाएं और बददुआएं निकल रही, दुआएं और हाएं निकलती है। हम तो इनको कहते ही नहीं कि जाए लाहौर, उन्होंने तबाह किया, पूरा पाकिस्तान तबाह कर दिया। क्या कहेंगे इनके? दूसरे सूबों को भी प्रेफर कर रहे हैं जी, तनख्वाहें बढ़ाए, उतने टैक्स लगा दो, उतनी बढ़ाए नहीं जितने टैक्स लगा दो, घर बैठे क्या रेड़ियां लगाए। ये आ गई है हमारे न्यू जनरेशन की इज्जतदार घरानों की, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं? मैट्रिक के बाद बच्चे लड़के तो पढ़ नहीं सकते, बच्चियां भी कहाँ आ गए, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कॉलेज यूनिवर्सिटी का, इतनी फीसें बढ़ गई है। ये हमारी न्यू जनरेशन की इज्जतदार घरानों की बहू बेटियों ने जाके ईद में स्टॉल लगाए बाजारों में, लगाए या नहीं लगाए? बिल्कुल। अब मीडिया कहाँ, तब हुकूमत कहाँ थी? ये हमारी हुकूमत है, मीडिया तो मर जाना चाहिए, ये इस्लामी ममालिक है हमारा। मीडिया तो आपकी आवाज़ पहुँचाती है, आप जैसी आवाज़ आगे हम तो बचाएंगे। कहना कि डूब के मर जाए, डूब के मर जाए, इज्जतदार बहन कोई घरों की पर्देदार बहन बेटियां बाहर काम के लिए निकली है, सड़कों पे रुल रही है कि हम घर का चूल्हा जलाएं, तो लेकिन नहीं चल रहा। कितनी दुआएं इनके, कितनी बददुआएं इनके लिए दुआएं, बस इनका तो मैं कहती हूँ खुदा ही पूरा करे। हाँ झोलियाँ उठा उठा के इनका खुदा ही पूरा करे, इन्होंने तबाह कर दिया हमारे पाकिस्तान को, तबाह कर दिया। ये तो कहते हैं ना तहरीक इंसाफ ने किया, इमरान खान ने किया, मैं कहती हूँ ये खुद करके सारा कुछ गए हैं, ये खुद इतने टैक्सेस लागू कर दिए ना सब के ऊपर। अगर किसी एक फैमिली में कोई एक बंदा नौकरी वाला है ना, उसकी कितनी तनख्वाह बढ़ाई है, उतना टैक्स लगा दिया। ये अपना माल खुद बनाएंगे तो हम भरेंगे, गरीब आवाम भरेंगे, भरेंगे ये कहाँ भरेंगे, ये गरीब आवाम का खून पी रहे हैं, उनकी बदुआएँ ले रहे हैं, हम तो झोलियाँ उठा उठा के कहते अल्लाह इनका भला करे। गर्मियों में जहाँ लोन का सूट 800 का लेके जाते थे ना, अब वो 2500-3000 का गरीब बंदा कहाँ से अफोर्ड करे। बच्चों को ईद पे कोई शॉपिंग करवाई है? नहीं करवाई शॉपिंग बच्चों को ईद पे, कुछ नहीं करवाई, मसाले दालें लेके जा रहे हैं, दालें भी इतनी महंगी हो गई है,
कैसे दिल आपका वो बच्चों को ईद नहीं लेके दी या शॉपिंग नहीं करे? बस सबर शुक्र है, सबर कर रहे हैं हम। क्या जो किराएदार उनके दिल के आंसू नहीं रोया? दिल दिल के आंसू रो रहे जो किराएदारों के हाल, उनके पूछो जाके उनका क्या हाल है किराएदारों का। वो बेचारे किराया पूरा नहीं करते, उनको 20,000 बिल आ जाता है। गैस दे रहे, कनेक्शन दे रहे, क्या करेंगे गैस के कनेक्शन दे के? गर्मियों में इतने इतने बिल आए हैं, गर्मियों में सर्दियों में मर गए हीटर के, चूल्हे नहीं जलाए, हीटर नहीं जलाए, फिर भी 20,000 गैस का बिल। गजब खुदा का गैस का बिल 20,000 का, दो रोटियां एक दाल बनानी है, फिर भी गैस का बिल 10,000 आ रहा है। और सैलरी जी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया 32,000, खुद रख लो, इनकी अपनी पूरी पड़ जाए, इनके अपने प्रोटोकॉल, इनकी अपनी कोठियां बंगले पूरे आ जाए। खुद इन्होंने बाहर जाना होता है इलाज के लिए, आवाम यहाँ लाइनों में लगी होती है। इतनी मेडिसिन महंगी, मेरे जैसे शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज 40 रुपए की शुगर की गोली डेली खा रही है। गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता? नहीं करवा सकते, क्या करे, क्या कहाँ से इलाज करवाए गरीब आदमी? आवाम तड़प तड़प के मारे, कशी पे मजबूर होंगे लोग, कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, खुशी खुदियाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं। इन्होंने तो खाना खराब कर दिया मुल्क का, हमारा पाकिस्तान सबसे अच्छा था, और अब मेरे ख्याल में ना ये सबसे आखिरी लिस्ट में ही है, बाकी सारे ममालिक आ गए। शुक्रिया, अच्छे हैं, हमसे अच्छे हैं, उनके चलो बेदीन है लेकिन उनके हमसे ज्यादा अच्छे असूल है, उनके ईमान सही है, ईमान सही, हम दीनदार हो के बेईमान है, एक नंबर के फ्लड है ये सारे, एक नंबर के फ्लड। गैर मुस्लिम हो गए ईमानदार हैं? वो गैर मुस्लिम हो गए, उनमें ईमान है, उनकी चीजें अच्छी हैं, वो सब तालीम सेहत हर चीज दे रहे अपनी आवाम को। और यहाँ मुसलमान बच्चों को बनाया, बच्चे नमाज सीखो, कुरान पाक पढ़ो, बच्चे कमाई करने के लिए बाहर जा रहे, क्या फ़ायदा उनको मुसलमान करने का? इसलिए तो ये दोबारा आना है, जहालत दोबारा आनी है, इसलिए आना है। ये कुरान पाक पे लिखा गया है कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, जब सारे अंग्रेजों के साथ मिलकर खाएंगे तो कहाँ दिन रहेगा। ऐसे इन हुक्मरानों ने सारा कुछ ख़त्म करना, खाना ख़राब हो इनका, बस कैमरा बंद कर दिया कि अन्य बिल आ रहे कि कर दे दिते उतर दे नहीं, मैं बिल नहीं उतर रहा, जितों भी करता लैने लसते ही नहीं, उत्तों बिल पाते हैं, पैसा खुद चोरी कराते हैं, खुद महकमे वाले करते हैं, हर चीज़ महकमे वाले करी जा रहे हैं। तो लिहाजा कि इन्हों का असं शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जे न्यूज़ वाले आए थे साढ़े को बड़े अच्छे दोस्त ने, DSP न्यूज़ बड़े अच्छे ने, जोली ठा ठा के दुआ करते हैं, इनका अजाब अल्लाह की तरफ से पड़े। हाँ बस हमारी तो ये दुआ अल्लाह के, अल्लाह ताला आपको, अल्लाह ताला सुनेगा, इंशाल्लाह सुनेगा, क्यों नहीं सुनता, गरीब की तो सुनता है, अर्श पे जाती है। लेकिन इनको ख्याल नहीं आना आपका? आना ही नहीं, इन्होंने आना ही नहीं, ये बिल्डिंग हर चीज़ ले जाए, कमीशन खाई जा रहे हैं, सारा कुछ ले जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और तरक्की दे आपके चैलेंज को। इन्हों को तवक्को रख दे? कोई तवक्को नहीं है भाई, इन्होंने को माशाल्लाह बिल ही इन्हें भेजे ने, रिक्शा ड्राइवर बिल जमा करावे कि घर रोटी खा। कितना बिल आया? 20,000 में बिल आया। फिर रोटी पूरी होएगी या बिल तर? रोटी पूरी कर होंदी नहीं पई, बिल ही जमा करा रहे फिलहाल ने। इना वास्ते दुआ हैगी है? इना वास्ते दुआवां ही नहीं, और की हो सकता, मसलन इना दा बेड़ा करक होवे, सानू तो कोई फायदा नहीं गा ना। सुबह ध्याने SMA वेखो की हाल होया, पसीने नाल भरे पे हैं, सुबह की दिहाड़ी तक नहीं लगी, उतो गैस इन्नी महंगी हैगी है, मिलती नहीं गई, दुकाना बंद कीतियां ने, दुकान LP गैस भी महंगी हो गई, LPG गैस भी 320 रुपये किलो, 320 रुपये किलो गैस भेज रहे हैं, उतो 320 रुपये किलो गैस भेज रहे हैं दुकान वाले, उतो गैस भी नहीं मिलती, भी दुकाना भी बंद ने, सवारी को पैसे मंगो, सवारी कहती इतों असी कितने पैसे कितों दे, कि आज गई है कि बिल मेरा आया 24,000 रुपया। किस तरह बिल तार हो गए या कोई बच्चों वास्ते रिजक गड्डी का लैटर खा के पेमेंट पाई, वह बिल तार है, गुजारा किस तरह होगा बच्चों का? रब भी चलाने वाला है, इन्होंने थोड़ी चलाना साड़ा गुजारा, किस तरह गुजारा होगा? असं मेहनत कर रहे हैं ना, रब देगा खाई जावे, हम की कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाते भी हो कि नहीं? बच्चे माशाल्लाह पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल है? प्राइवेट स्कूल। किस तरह खर्चा का निजाम चलेगा? खर्चे का निजाम किस तरह चलेगा? बिल तारोगे या खर्चा मेरा मतलब करोगे? बिल तारांगे तो घर बच्चे बैठेंगे ना, नहीं तारांगे तो बिजली काट के ले जाएंगे, और की करेंगे? वास्ते की दुआ आएगी? इन्होंने वास्ते यही दुआ है कि फारग हो जाए साढ़े लोग, और की कह सकने असं।
यही कुछ कह सकते मरियम नवाज वास्ते चीफ मिनिस्टर वास्ते सभा वास्ते की उन्होंने कहोगे चीफ मिनिस्टर वास्ते यही कह सकते कि साढ़े बारे च भी सोचन कुछ सानू भी गैस मिले सस्ती असी भी रोजी कमाईए अपने आसे रुल गए हो रुलन दे तुहाडे सामने लैन लगी भी रिक्शे की तोड़ो तोड़ तक लैन लगी है काम हैगा नहीं इतों वाल्टन वाले आते हैं 500 का टीका ला के चले जाते नहीं तो परचा करके चले जाते हैं मुंडे साढ़े फड़ के लै जाते थाने ये नहीं वेखते गरीब आदमी है नहीं वेखते कि माड़ा बंदा है कि कितों कमा के ले जाएगा कितों खाएगा सुबह आया करो नादरी देख रहे हैं रक्षा चला के गुजारा करते हैं वो कहते हैं बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है तो ये प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा को इनकी कहते हैं हमारी अपील है कि हमारे ऊपर कोई रहम किया जाए तो हाँ जी भाई जान यही अपील की है हमने आपके आगे क्या करते हैं आप मजदूरी मजदूरी क्या मजदूरी करते हैं रिक्शा चला रहे तो रिक्शे में क्या मजदूरी मिल जाती है कोई मजदूरी नहीं है बिल कितना है बिल आया है कम से कम 9000 रुपये 9000 रुपया बिल है 9000 रुपया बिल है बजट आया है अभी हुकूमत का जो भी बजट आया है उसमें महंगाई मजीद बढ़ गई है तो क्या घर का सर्किट कैसे चलेगा तो ये बिल ही तारते रहेंगे भाजी ये निज़ाम हस्ती है चला रहा है वही खुदा है ये अल्लाह पाक हमारा निज़ाम चला रहा है जो दाल रोटी खा रहे हैं हम ये हुकूमत ने जो वादे किए जो किया हमारे साथ उस पर पूरी नहीं उतरी तो मैं वज़ीर आला पंजाब को भी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी यही कहूँगा हमारे दिलों पे रहम करें हम लोगों पे रहम करें नहीं तो हम लोग झोली उठा उठा के बदवाएँ दे रहे हैं हुकूमत महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान की आवाम को दी जा रही है पाकिस्तान की आवाम की फटती है फटे सते पे हैं आप मैं जितना सता हूँ क्या बताऊँ मैं झोली जू उठा के बदवाएँ दे रहा हूँ बच्चों को कोई कपड़ा भी नहीं ले के दे सकते जूती भी नहीं ले सकते सम खुदा की बरीद पे मैंने अपने लिए सूट भी नहीं सिलाया बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे बच्चों को क्या पहले पढ़ाते थे हम लोग अब नहीं पढ़ा रहे तो इनको क्या आप दिल से आपके दुआएं निकल रही हैं इनके लिए ये जो फिलहाल तो दिल से दुआएं नहीं दिल से बदुआएं निकल रही हैं इस हुकूमत के लिए क्यों बिलावल भुट्टो आया था उसने भी बहुत हमारे साथ पंजाब में 300 यूनिट का वादा किया था बिलावल भुट्टो को मैं कहता हूँ जब तो तुम्हारे बाप जो उनसे हैं सदर पाकिस्तान हैं कोई अब तो कोई रैम खाओ बहुत बटके मारते थे आप पंजाब पे अब तो कोई रैम खाओ हम लोगों पे रैम नहीं खाएंगे कब्र में बहुत अंधेरा है और कब्र में बहुत अंधेरी क्या दिल से मान से बताना क्या दिल से दुआ निकलती या बाद दुआ निकलती आप मुझे बात बताओ मैं जब घर जाता हूँ मैं रक्षा ड्राइवर हूँ मैं 1500 रुपया ले कर जाता हूँ घर उसमें 600 रुपया मेरी गाड़ी की डरारी 500 रुपया मेरा गैस का खर्चा कितना हो गया 1100 रुपया 400 रुपये में मैं क्या करूँ मेरे बच्चे वो कहते हैं पापा चीज़ जाहरी बात है मैं दो बच्चों को भी चीज़ दिलाऊँगा कुछ नहीं 100 रुपये की चीज़ से कम बात होती नहीं है तो यही कहेंगे हम पे रहम करें तो अपनी बेगम को शॉपिंग भी कराई है ईद पे कि नहीं है ईद पे अपनी बेगम बच्चों को शॉपिंग कराई है इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे लिए मैंने आपको बताया है मैं कसम खुदा की ईद पे सूट नहीं सिलाया मैंने घर वाले को कैसे वो करके देना है सूट आप बताएं मुझे कैसे मैंने अपने लिए सूट नहीं सिलवाया तो घर वालों को क्या करना हम खाना राशन डाले लगता है आपके दिल से जो है ना बद दुआएं निकल रही हैं रो रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं नहीं बद दुआएं इनके लिए हुकूमत के लिए निकल रही इन्होंने हमको नहीं छोड़ दिया ये बजट जो उनसे आया था लोड न्यूज़ वाले भी आए थे रोलंग वाले भी आए थे उन्होंने कहा था ये जी साल का नया बजट आ रहा है क्या नाम है वाम दोस्त बजट मैं कहा ये वाम दोस्त बजट नहीं है ये वाम निचोड़ बजट आ रहा है तो ये फिलहाल हमको नहीं छोड़ रहे हैं पर मैं यही कहूँगा कुछ आवाम पे रहम करें रहम नहीं करना तो आवाम के दिल की बदुआएँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब और छोटी आपी जोनसी हमारी वज़ीर आला पंजाब मैं यही कह रहा हूँ आपको लोग बदुआएँ दे रहे हैं मैं तो दे रहा हूँ लोग भी आपको बदुआएँ दे रहे हैं तो मैं यही कह रहा हूँ आप हम पे रहम करें रहम नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ताला की लाठी बहुत बेनियाज़ है।
बस यही मैं कह रहा हूँ, यही मेरी अपील है हुकूमत से, कुछ गुजारा करें हमारे साथ। गुजारा नहीं करना ना, आपने तो कहा था आटा फ्री मिलेगा। देखिए ये रिक्शा चलाने वाला एक मजदूर आदमी है, रिक्शा चला के कहता है बड़ी मुश्किल से गुजारा करता हूँ, ईद पे मैंने अपने एक सूट भी नहीं सिलाया, जिस जो सूट मैं पहन कर जाके मस्जिद में नमाज अदा करता। तो ये जो है मज़दूर आदमी रिक्शे का जो है ड्राइवर है, ये कह रहा है कि हमारे ऊपर रहम की जाए और दिल से हमारे से मोहब्बत की जाए और महंगाई कम की जाए, इस तरह जी। जी मैं यही अपील करूँगा बस, हम पे रहम किया जाए, खुदा के लिए हम पे रहम किया। मरियम नवाज से यही मेरा मतलब अपील है जी।